हे गाइस, कैसे हो आप लोग? गाइस क्या हाल है? ठीक हो गाइस? मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, वो टॉपिक है वाया दुबई हॉकी कैसे जाया जाता है, क्या करना है। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ वाया दुबई में किस तरह से जाना है। तो बताने से पहले मैं बताता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस मेरे कुछ दोस्त लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट किया, फोन किया कि आप वाया दुबई के बारे में कुछ डिटेल बताएं। तो मैंने कहा चलो एक वीडियो ही बना देते हैं। तो गाइस वाया दुबई होके आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वाया दुबई जाने के लिए सबसे पहले आपका वीज़ा जो है कोरियर किया जाता है। वीज़ा कोरियर करके आपका वीज़ा कोरियर जाता है, उसके बाद जो है आप वहाँ जा सकते हो। तो आप वाया दुबई जाओगे, वाया दुबई में आप दो तीन दिन, दुबई में आप दो दिन तीन दिन स्टे करोगे, आप रुकोगे दो तीन दिन, उसके बाद जो है आपको वहां से फिर सऊदी के लिए रवाना कर दिया जाता है। तो खैर गाइस आप जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हो, आराम से जा सकते हो, कोई मसला नहीं है जाने के लिए। बशर्ते यह है कि आप जा सकते हो, छुट्टी भी आ सकते हो, सब कुछ होगा, अकाउंट बनेगा, हर काम होगा। लेकिन मसला यह है कि खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, जैसे मान लो कोई डेथ कर गया या कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बड़ा मसला बन गया, तो उसमें सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन किया जाएगा कि आपका बंदा ऐसा ऐसा है, आप इसके बारे में। तो आपकी जो पूरी डिटेल है वो एमबीसी के पास नहीं होगी, तो एमबीसी वाला बोल देगा भाई ये तो आदमी हमारे यहाँ से गया ही नहीं है सऊदी, ये तो गया दुबई विजिट वीजा पे। क्योंकि जब हम आते हैं तो हमारी गवर्नमेंट को हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन रहता है, पूरा डिटेल रहता है हमारे गवर्नमेंट के पास, सब कुछ रहता है, यानी पूरी इन्फॉर्मेशन उसके पास रहती है, कब गया, कितने दिन पहले गया, कब क्या हुआ, पूरी डिटेल है। तो गवर्नमेंट साफ हाथ खड़ा कर देगा कि मेरे को, मुझे नहीं मालूम है कि ये बंदा सऊदी गया है, ये मालूम है कि ये वाया दुबई, जो ये सॉरी दुबई गया है, यानी टूरिस्ट वीजा पे, जो विजिट वीजा जिसको बोलते हैं, विजिट वीजा पे वो गया है, ये बात हुई। उसके बाद आप गए, थोड़ा सब्र कर लो, इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि अगले 15 तक जो है इमिग्रेशन चालू हो जाएगा, उसके बाद में जैसे आप रुके हो, इतना दिन रुके हो, थोड़ा दिन और इंतजार कर लो, सही तरीके से आओ, सही रूप से आओ, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा सब्र कर लो। मान लो थोड़ा सा घर में हो, कोई दिक्कत तो है नहीं, तो मान लो थोड़ा सा समय है, जैसे ही अगर ये चालू हो रहा है, जो इमिग्रेशन चालू हो जाएगा, क्या होगा पूरा डिटेल, पूरा इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा आने वाली हर वीडियो, अगली वाली आने वाली हर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ही चालू हुआ मैं आपको पूरा डिटेल शेयर करूंगा, ठीक है। तो इसलिए आप टेंशन मत लो और ज़्यादा परेशान मत हो, आप आराम से रुको, थोड़ा दिन समय भी बिताओ इंडिया में, जो है बारिश के कुछ मजे लो, फिर उसे ऊपर वाले ने चाहा जल्दी जल्द से जल्द चालू हो जाएगा। इसलिए गाइस मैं तो यही बताऊंगा कि आप लोग जैसे रुके हो थोड़ा दिन रुके रहो, एक ऐसी चक्कर में मत पड़ो। वैसे भाई जिसको आना है वो आ रहा है, आने वाले आ रहे हैं, मेरे दोस्त लोग भी आए हैं, लेकिन दिक्कत यही है भाई, कुछ मसला बन गया तो फिर बाद में इंडियन गवर्नमेंट आपके साथ नहीं देगी, आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके बाय।